चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेल्जियम की समझदारी यानी कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि बेल्जियम की क्या समझदारी रही है। सो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। तो अभी आपने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ था, ठीक है, तो बेल्जियम के लोग जो हैं वो अलग रास्ता अपनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स की कुछ मुख्य निम्नलिखित बातें हैं। तो यहाँ पर बेल्जियम किस तरह से सिविल वॉर होने से रोकने का काम किया और क्या इसने मेथड्स यूज़ किए वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एज बेल्जियन लीडर्स लुक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशंस 4 टाइम्स। 4 बार इन लोगों ने अमेंडमेंट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, यानी एक ही कंट्री में सबको साथ मिलकर रहें। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटी एंड इज वेरी इनोवेटिव। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। तो कुछ मॉडल पे हम लोग अब यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है तो उसमें डच लैंग्वेज बोलने वाले और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाली जो भी मिनिस्टर्स होंगी उनकी संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। एक तो ये पॉइंट और निकल के सामने आता है। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के संसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, तो दोनों को एक विचारधारा में आना होगा। एक तो यहाँ पे कंडीशन लगा लिया, तो एक बहुत अच्छा विकल्प यहाँ पे निकाला इन लोगों ने कि कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली, यानी कोई एक ग्रुप डिसीजन नहीं ले सकता था, अब दोनों को लेना है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। एक अच्छा यहाँ पर भी हमको लग रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहेगा। ओके, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो है वो समझौता हो गया, ठीक है। तो ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट।
यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक फिगर को देखिए, इस फिगर में कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। तो आप यहाँ पे देखते हैं मॉन्टेज बर्ग स्टेट बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी दो भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंच और डच दोनों भाषा में लिखा गया है, ठीक है, ओके। मतलब दोनों को अब इक्वालिटी के हिसाब से काम करने की बात यहाँ पर है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय और राज्य सरकारें के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वो जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध के आकांक्षाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। नो मैटर वेयर दे लीव, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। दे हेल्प्ड टू अवॉइड सिविक स्टिफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिसीविजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। वैन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कैम टूगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। ओके, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवालों को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि अलग अलग समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। ये बात आपको समझ में आ गया? दोनों कंट्री का एग्जाम्पल दे के दिखाया कि बेल्जियम क्या किया और श्रीलंका क्या किया। अब आप खुद थोड़ा विचार करें, भारत अभी क्या कर रहा है? वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? बोथ आर डेमोक्रेसीज एट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजंस। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन मैचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर्स। श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। इट शोज अस दैट इफ अ मेजोरिटी कम्युनिटी wants to
फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब हम लोग शॉर्ट रिविजन लेना शुरू करते हैं। तो देखिए, बेल्जियम ने एक पावर शेयरिंग का मॉडल बनाया, श्रीलंका देखिए किस तरह से काम कर रहा था, लेकिन बेल्जियम क्या किया, एक पावर शेयरिंग का मॉडल बनाया। इसने क्या किया कि रिकग्नाइज़ किया जो डिफरेंस लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया। जो डच बोलने वाले भाषा वाले लोग थे और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, उनके मिनिस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार दिया। ठीक है, स्पेशल लॉज रिक्वायर मेजोरिटी सपोर्ट्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप टू प्रिवेंट अननेचुरल डिसीजन। और एक स्पेशल लॉ भी वहाँ पर मेजोरिटी के पास सपोर्ट करती है, ताकि वो कहीं भी रहें तो वही क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे लोगों को। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू स्टेट एंड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल पावर को क्या क्या अलग अलग क्षेत्र दे दिए गए। सेंट्रल पावर में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और स्टेट गवर्नमेंट में। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि ब्रुसेल्स में भी प्रॉब्लम चल रहा था, तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि सेपरेट गवर्नमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ बना दिया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया गया था, हैंडल ये क्या हैंडल करता था, कल्चरल चीज़ों को, एजुकेशनल और जो लैंग्वेज रिलेटेड इशू होते थे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स करते थे, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज को करते थे। अब सक्सेस ऑफ बेल्जियम मॉडल, तो प्रिवेंट्स, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि सिविल वॉर नहीं हुआ मेजर और माइनॉरिटी के बीच में, और यूनिटी जो है वो मेंटेन रहा, और जो अलग अलग कल्चर अलग अलग आइडेंटिटी के लोग थे उनको रिस्पेक्ट देने का काम किया गया। लेकिन अब श्रीलंका के कंपैरिजन में देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेट्स अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू पावर शेयरिंग। यहाँ पे क्या होता है कि बेल्जियम प्रायोरिटी यूनिटी थ्रू द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी इंटरेस्ट। दो जो जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, श्रीलंका के लोगों का जो सिंहली भाषा बोलते थे, वो क्या करना शुरू कर दिए कि जिनकी आबादी कम थी तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की, उनको डोमिनेट करना शुरू किया, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। तो लेसन से हम लोगों ने सीखा कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कम्युनिटी फॉस्टर यूनिटी। तो हमें अलग अलग डाइवर्स के लोगों के जो या कल्चर या लैंग्वेज के लोग हैं उनका रिस्पेक्ट करना सीखे, ताकि यूनिटी बनी रहे। मैचुअली एक्सेप्टेबल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आर क्रूशियल फॉर स्टेबिलिटी एंड डोमिनेंस ऑफ अ मेजोरिटी कम्युनिटी कैन लीड टू डिविजन एंड स्ट्रेफ। हम लोगों ने यह भी सीखा कि अगर डोमिनेंस करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि टुकड़ों में बढ़ जाएगा देश। ओके, इट्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर प्रश्न पहला आ रहा है, ड्यूरिंग व्हाट पीरियड डिड बेल्जियन लीडर्स अमेंड दियर कॉन्स्टिट्यूशंस मल्टीपल टाइम्स टू क्रिएट अ यूनिक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। यानी कि किस पीरियड के दौरान जो बेल्जियन लीडर्स थे उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार बदलाव लाने का प्रयास किया, ताकि एक पावर शेयरिंग जो है कि यूनिक पावर शेयरिंग बन सके। ऑप्शन ए कह रहा है 1950 से लेकर 1960 लेकर 1970s, 1970 से लेकर 1993 और 1990 से लेकर 2000। क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। हाँ करेक्ट है। हाँ थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ करेक्ट है कि नहीं है डेट यहाँ पर। हाँ तो ये यहाँ पर देखना 1970 और 1930 के बीच में, 1970 और 1993 के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अगला दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज अ की फीचर ऑफ द बेल्जियन मॉडल रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या की फीचर्स था बेल्जियन मॉडल में
ताकि वो रिगार्ड करते हुए रिप्रेजेंट करे डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऑप्शन ए कहता है द मेजोरिटी कम्युनिटी मेक्स अनलिटरल डिसीजन। ऑप्शन बी कहता है कि डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैव मोर पावर दैन फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। ऑप्शन सी कहता है द कॉन्स्टिट्यूशंस मैंडेट्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। डी कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब यहाँ पे आते हैं। वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ द सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का, सेपरेट करके बनाने का बेल्जियम में क्या पर्पज़ रहा है? टू ओवरसी फॉरेन अफेयर्स, टू हैंडल इकोनॉमिक पॉलिसीज, टू एड्रेस कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज, एंड टू एनफोर्स नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स। ऑप्शन सी। तो सभी का सी, सही जवाब, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब है। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है।